ये 5 मिनट की राइड, सो एवरी 15 मिनट में इसका लाइक रिटर्न होती है। ज़रूर आए यहाँ पे, फैनी क्यूर का ट्रिप ज़रूर लें जब भी लेक कोमो आए। रास्ता जा रहा है फैनी क्यूर का, बहुत मशहूर है। इतनी सर्दी में ये लोग स्केटिंग कर रहे हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप है, सारा क्रिसमस का जो है इनके पास मटेरियल है। इटली में आपको गरम गरम टर्किश कबाब मिल जाएं, विच टर्किश शेफ के, और क्या बात है। तो हम लोगों ने मिलान से अब वेनिस की ट्रेन ली है और हम वेनिस जा रहे हैं और रात को 10 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे। आज के लिए हमारा ये रूम है वेनिस में, लाइक 2 नाइट्स के लिए मैंने कराया है। ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल की बिल्डिंग है भाई। फेरी से जैसे ही बाहर आए तो सामने हमें नज़र आया फैनिक्यूलर, कोमो, ब्रूनेट। तो ट्राई करते हैं ये भी, मैंने सुना था ये कि हाईली रिकमेंडेड है, ये यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत बनता है। तो बस जाएंगे और आएंगे, टाइम कम है हमारे पास, तो ये भी ट्राई करते हैं। तो 6 यूरो 60 सेंट का एक अडल्ट का राउंड टिकट आया है फैनिक्यूलर का, और 8 यूरो 90 सेंट का जो है वो कैरी का टिकट था ईच अडल्ट फॉर 1 आवर 10 मिनट। तो अच्छी तफरी है ये भी। ये पूरी इसकी हिस्ट्री है, लाइक कब ये स्टार्ट हुई थी। दिस लुक वेरी ओल्ड, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। और ये देखें, माउंटे बुलीटो, और ये सारी माउंटेन रेंज है। टोरिनो सिटी एक्चुअली ये सब दिया हुआ है इसमें। अभी 3:05 हो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निकलें 4:30 तक यहाँ से कोमो से। वी आर वेटिंग फॉर द फैनिक्यूलर नाउ, और ये आ गई है फैनिक्यूलर, इसको राइड लेंगे अभी हम। ये 5 मिनट की राइड, सो एवरी 15 मिनट में इसका लाइक रिटर्न होती है। सो देखें, इट्स नाइस। फैनिक्यूलर से व्यू देखें हम यहाँ का सूरत। This is beautiful view of Lake Como. अभी फैनिक्यूलर से हम लोग ऊपर आए हैं और आप यहाँ से व्यू देखें। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। जरूर आए यहाँ पे फैनिक्यूलर का ट्रिप जरूर लें जब भी लेक कोमो आए। वेदर थोड़ा विंडी हो गया है ज़ाहिर ऊपर आके, लेकिन फिर भी बेटर है। तो हम लोग बस रुकेंगे नहीं यहाँ पे ज़्यादा, बस थोड़ी देर में ही वापसी की ये खड़ी हुई है पीछे फैनिक्यूलर, और वापस जाएंगे इससे। और ये पूरी नीचे से होते हुए नीचे जाती है लेक तक। ऊपर जा रहे हैं हम लोग अब वापसी के लिए फैनिक्यूलर में। अभी ऊपर आ गए हैं हम लोग और वापसी की फैनिक्यूलर लेने के लिए, तो थकान हो गई बहुत। यहाँ से पूरा नीचे जाएंगे। ये पूरा रास्ता जा रहा है फैनिक्यूलर का।
सर्दी में ये लोग स्केटिंग कर रहे हैं। बहुत ठंडे, बहुत ज्यादा ठंडे भाई। फाइनल व्यू, बाय बाय टू लेक कोमो, हैड अ वंडरफुल ट्रिप टू लेक कोमो। और रेकमेंडेड प्लेस है, जरूर आए। अगर कोई बोले ना आप लोगों के ना आए तो फिर भी आइएगा, क्योंकि सब लोगों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। सो मस्ट गो विजिट। अभी इस वक्त यहाँ पर लेक कोमो में 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और टाइम हो रहा है 4:30, और 6 डिग्री लाइक फील्स लाइक 4 डिग्री और 2 डिग्रीज, इट्स वेरी कोल्ड। और देखें, हमें एक हलाल पिज़्ज़ा का एक हलाल तुर्की शॉप मिली है जो हलाल फूड सर्व करते हैं। ये इनका मेन्यू है टर्किश रेस्टोरेंट का, एंड एवरीथिंग इज हलाल, मुनासिब है प्राइसेस भी। हमने तो अभी ये नंबर 4 पियादीना डोनर कबाब और ग्रिल शीश तवा, ग्रिल पोलो एक फेरी ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा है। में आपको गरम गरम टर्किश कबाब मिल जाए विद टर्किश शेफ के, और क्या बात है। तो बस हम अपना खाना शुरू करते हैं जल्दी से। बहुत ही खूबसूरत एक शॉप नज़र आ रही थी मुझे, मेरा दिल कर रहा था अंदर जाऊँ इसकी वीडियो बनाने का। ये सारी इनकी क्रिसमस की डेकोरेशन है और इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप यहाँ। सारा क्रिसमस का जो है इनके पास मटेरियल है डेकोरेशन का। वेरी नाइस। हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन, वो सब टिकट देखेंगे कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। मेरा 5:30 हो गए हैं अभी भी, तो मगरिब तो हो गई है। पहाड़ों पे देखें आज का दिन बहुत बिजी और टायरिंग था, इंजॉय किया बहुत, अब थक गया लेकिन। तो हम लोगों ने मिलान से अब वेनिस की ट्रेन ली है और हम वेनिस जा रहे हैं और रात को 10 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे। मैं होटल अभी देख रहा हूँ, होटल अवेलेबल है वहाँ पे, तो अभी बस मैं होटल बुक कराऊँगा और बस वहाँ से फिर वाटर टैक्सी लेके हम होटल जाएंगे। तकरीबन 10:30-11 तक हम लोग फिर रूम में होंगे रात को। तो कल भी हमारा पूरा दिन अब वेनिस में है, तो इंशाल्लाह आपको वेनिस दिखाते हैं फिर। आज के लिए हमारा ये रूम है वेनिस में, लाइक 2 नाइट्स के लिए मैंने कराया है। ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल की बिल्डिंग है भाई। तो खैर, रूम बड़ा है साइज, आज ज़्यादा ही हो गया। अभी 11:45 हो रहे हैं और हम वेनिस में होटल में पहुँचे हैं। बहुत लॉन्ग प्रोसेस था स्टेशन से, फिर मुश्किल हो रहा था कि बस कैसे लेनी है। खैर, एक इंडियन कपल मिला, उन्होंने हमारी हेल्प की, फिर हमने बस लेके 8 स्टॉप के बाद उतरे। फिर अंदर छोटी छोटी गलियाँ, सन्नाटा, कोई लोग नहीं था। तो ब्रिज भी आया एक छोटा, और स्टेप्स के साथ हमारे साथ बैगेज, स्ट्रॉलर, नाइट में शिकर, और ज़्यादा नहीं आए ब्रिजेस, एक ही आया। खैर, होटल आए तो पता लगा है लिफ्ट नहीं है। 3rd फ्लोर पे सनाया सो रही थी, इसको लेकर आया गोद पे, सामान हमने नीचे छोड़ा है, बस अब सोने की तैयारी है। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे वेनिस में।